टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो मान लें ये फिर से पोटेंशियोमीटर है, ये नीचे आपने एक सेल लिया, आपने इस स्विच को ऑन नहीं किया। जब आपने ऑन नहीं किया तो ये कुछ दिखाने की जरूरत है ही नहीं, बस सिर्फ सेल कनेक्टेड है, क्योंकि आपने कौन सा कुछ ऑन किया इसे। तो अब ये सेल कनेक्टेड है, मान लो ये बैलेंस कर दिया इन लेंथ L1, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर E इज प्रोपोर्शनल टू L1, क्योंकि नीचे पोटेंशियल डिफरेंस अगर E है तो ऊपर भी क्या डेवलप हो जाएगा E, क्योंकि इसने ऑन किया नहीं स्विच, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो है तो सेल में से कोई करंट बाहर निकला ही नहीं, तो E प्रोपोर्शनल टू L1। लेकिन जैसे ही आपने इसे ऑन किया इसका करंट बाहर आ गया, बैलेंस किया, अब बैलेंसिंग लेंथ L2 हो गई, लेकिन यहाँ पर सेल का E डेवलप होने के बजाय V डेवलप होगा, क्योंकि जब सेल में से करंट बाहर निकलेगा तो कभी भी E तो शो कर नहीं पाएगा, वो तो E से कम शो करेगा, जो कि क्या होगा V। तो हम क्या करेंगे, V प्रोपोर्शनल टू L2। तो L1 बैलेंसिंग लेंथ बैटरी की है, L2 बैलेंसिंग लेंथ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V की है, इन दोनों को डिवाइड कर लें। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्लास में पहले किया हुआ है, E बाई वी माइनस वन इंटू आर। तो आप E बाई वी की जगह पुट कर रहे हैं L1 वन बाई L2, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, इसको फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर कर लें, ये काम आएगा। तो स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू L1 वन बाई L2 माइनस वन इंटू कैपिटल R, वेयर L1 इज बैलेंसिंग लेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू EMF और L2 इज बैलेंसिंग लेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये किसी ऑब्जेक्टिव में काम आ जाए तो आ जाए। ठीक है यहाँ तक? तो इसके अंदर कुछ थ्योरी के टॉपिक हैं, सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। एक सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर वो पोटेंशियोमीटर है जो छोटी से छोटी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को भी मेजर कर पाता है, और पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिव होना अच्छी बात है, क्योंकि वो बहुत छोटी वैल्यू को मेजर कर पाता है। ऐसा ना हो आप पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 मेजर करना चाहें और बैलेंसिंग लेंथ हिले भी ना, तो अच्छा पोटेंशियोमीटर नहीं है। तो एक सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर होना ज़रूरी है। तो सेंसिटिव बनाने के लिए क्या करना होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम रखना होता है, स्मॉलर इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेटर इज द सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा, अगर क्या होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू छोटी होगी। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट छोटा कैसे होगा, ये दो लाइन में ये लिखा हुआ है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, वी बाई एल, अगर ये छोटा होगा तो सेंसिटिविटी बड़ी होगी। और ये छोटा कब होगा, जब पोटेंशियोमीटर वायर की बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी, जब लेंथ की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, और वी की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। न्यूमिनेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अपने आप कम होगा, और अगर ये कम होगा सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो इस तरीके से सेंसिटिविटी को हम चेंज कर सकते हैं, और कम करना अच्छी बात है सेंसिटिविटी, इससे आपकी, क्योंकि सेंसिटिविटी, एक सेंसिटिव होना बहुत अच्छी बात है, और जो करने का तरीका क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करना, तो सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है।